हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध पर हिंदी निबंध। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। परिचय। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध राजघराने से थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। शिक्षा। गौतम बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की थी। वह अपने गुरु का आदर और सम्मान किया करते थे और उनके आदेश का पालन करते थे। वह बचपन से ही बहुत दयालु, परोपकारी और शांत स्वभाव के थे। विवाह और घर का त्याग। 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन गौतम बुद्ध का सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता था और उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार के सारे सुख और घर का त्याग कर दिया। वे 29 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की खोज करने के लिए घर से निकल गए थे। सत्य और परम ज्ञान की खोज। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर जगह भटकते रहे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए। गया को बोधगया और उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वे धर्म का प्रचार करते थे और सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को धार्मिक उपदेश दिए। उनके उपदेशों में उन्होंने अहिंसा, सेवा, दया, करुणा, क्षमा और सहानुभूति को स्थायी सुख का साधन बताया था। गौतम बुद्ध ने सभी लोगों को सही रास्ता दिखाया था। उन्होंने सत्य वचन, ईमानदार, सभी से प्रेम से बोलने और कम बोलने की सीख दी थी। मृत्यु व निधन। महात्मा बुद्ध सारी उम्र धर्म का प्रचार करते रहे और 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे मरकर भी अमर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।